नमस्कार दोस्तों, कुछ इसी रफ्तार से बिहार आ सकती है सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी खबर हम पटना के लिए बता रहे हैं और बिहार के लिए कि अब ये कहाँ आएगी, किधर आएगी, ये भविष्य की बात है। लेकिन जो GM हैं पूर्व मध्य रेलवे के, उन्होंने ये एक इंटरव्यू में, स्थानीय अखबार के इंटरव्यू में ये बात कही है कि जल्द ही पूर्व मध्य रेलवे को भी वंदे भारत जैसी ट्रेन मिलेगी। और ये कब मिलेगी, किस रूट पे मिलेगी, इसका खुलासा उन्होंने नहीं किया है। लेकिन खबर है कि ये ट्रेन मिल सकती है आगे आने वाले दिनों में। और उन्होंने ये बताया है कि नवंबर 2013 से 18 तक वो चेन्नई में थे, RCF में, और वहाँ से उन बता रहे हैं कि वो पहले 1500 प्रतिवर्ष जो है कोच निकलता था, जो अब 4000 कोच निकलता है, इस तरह के कोच निकलते हैं। और शीघ्र ही ये ट्रेन जो है वो पूर्व मध्य रेलवे को मिलेगी, और हो सकता है ये पटना से मिल जाए, क्योंकि पटना जो है वो सबसे अहम शहर है बिहार का, बिहार की राजधानी है। तो ये सबसे बड़ी खुशखबरी है। एक और जो खबर सामने आ रही है वो ये है कि बिहार को एक नया स्टेशन भी मिलने वाला है, और ये स्टेशन 2 से 3 साल के अंदर मिल जाएगा। लोकल ट्रेन के लिए ये अलग से स्टेशन होगा, जो अभी राजेंद्र नगर और पटना स्टेशन है उससे अलग ये स्टेशन होगा। और ये भी खबर जो है GM ललित चंद्र त्रिवेदी के हवाले से खबर सामने आई है, और उन्होंने ये कहा है कि हार्डिंग पार्क में 5 प्लेटफॉर्म वाला स्टेशन जल्द ही जो है वो तैयार हो जाएगा। तो इस वजह इससे ये फायदा होगा कि पटना पर जो लोड है, राजेंद्र नगर टर्मिनल पर जो लोड है वो कम होगा। और उनके मुताबिक अगले 2-3 साल में पटना जंक्शन में लोकल ट्रेनों के लिए अलग से परिचालन के लिए जो है वो हार्डिंग पार्क को तैयार किया जाएगा। ये स्टेशन जो है वो जल्द ही चालू हो जाएगा, और यहाँ से 5 प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, और ये 5 प्लेटफॉर्म लोकल ट्रेन के लिए होगा जो बिहार के अलग अलग जिलों से वह ट्रेन आती है। और कैबिनेट का ये फैसला, इससे पहले आपको बता दें कि जुलाई महीने में ही कैबिनेट का फैसला हो चुका था, बिहार सरकार ये ज़मीन रेलवे को सौंपने के लिए तैयार हो चुकी थी। नीतीश कुमार ने कैबिनेट के फैसले पर मुहर लगा दी थी, और ये इस कैबिनेट के फैसले के मुताबिक हार्डिंग पार्क की जो है 4.80 एकड़ की जो ज़मीन है वो रेलवे को 144 करोड़ की लागत से दी गई है। और ये इसी आधार पर अब रेलवे जो है इसको डेवलप करेगा, और 5 प्लेटफॉर्म वाला एक स्टेशन वहाँ पर अलग से तैयार किया जाएगा, ताकि जो बिहार के अलग अलग ज़िलों से जो है वो ट्रेनें आती हैं वो सिर्फ हार्डिंग पार्क में जाएंगी, और बाकी ट्रेनें जो एक्सप्रेस ट्रेनें हैं या बाकी लंबी दूरी की ट्रेनें हैं वो पटना और राजेंद्र नगर टर्मिनल को डेडिकेटेड कर दी जाएंगी। तो ये बड़ी खबर है बिहार के पटना के लिए। और ये कैसा अभी स्थिति बनेगी जब हार्डिंग पार्क बन जाएगा नया स्टेशन, अभी की स्थिति देखिए, सारी ट्रेनें पटना आती हैं या राजेंद्र नगर टर्मिनल आती हैं, और ये अभी पटना पर बहुत ज़्यादा लोड रहता है, इस वजह से लोकल ट्रेनें भी पटना आती हैं। लेकिन ये जो गोल घेरा आप देख रहे हैं, ये हार्डिंग पार्क वाला जो घेरा है, ये जो है जब तैयार हो जाएगा तो सारी ट्रेन फिर डाइवर्ट होकर के हार्डिंग पार्क पहुंचेंगी। कुछ इस तरह से देखिए, ये नए स्टेशन से लोड कम होगा, और सारी ट्रेनें जब यहाँ पहुंचेंगी तो पटना स्टेशन और राजेंद्र नगर टर्मिनल को जो है, या दानापुर स्टेशन को जो है, काफ़ी फ़ायदा होगा, काफ़ी लोड कम होगा, क्योंकि यही 3 स्टेशन जो सारा लोड ले रहे हैं। अब मैप के, एक और मैप के जरिए समझिए कि किस तरह से स्थिति बन रही है। ये गोल घेरा जो है वो पटना स्टेशन, और ब्लू घेरा जो है वो हार्डिंग पार्क है। तो जब ये ट्रेनें, जब हार्डिंग पार्क तैयार हो जाएंगी, स्टेशन तैयार हो जाएगा, तो सारी ट्रेनें जो हैं बाढ़ से, आरा से, दीघा से, भागलपुर से, सारी ट्रेनें वहाँ पहुँचेंगी। अब एक और मैप के जरिए आपको बताते हैं कि इस वक्त की क्या स्थिति है। देखिए, ये पटना है, गोलघेरा में पटना है, और चारों तरफ से जो बिहार के चारों तरफ से शहर हैं वो जुड़ते हैं और पटना के जो है स्टेशन पे आते हैं। लेकिन आने वाले भविष्य में जो है वो झंझारपुर और सुपौल स्टेशन भी नया जुड़ेगा। तो ये बड़े जब शहर जुड़ेंगे तो इसकी ज़रूरत महसूस होगी कि नए स्टेशन की ज़रूरत महसूस होगी, और इसी को ध्यान में रखकर रेलवे ने इसको प्लानिंग के तहत इसको तैयार किया है। 2-3 सालों में इसको एक्टिवेट कर दिया जाएगा पूरी तरह से, ताकि जो है भविष्य की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दरभंगा रॉक। शुक्रिया, धन्यवाद।